दोस्तों, महाराष्ट्र भर में ग्राम पंचायत, जिला परिषद और देहातों के इलेक्शन जारी है। मालेगांव आउटर में भी इस ग्राम पंचायत इलेक्शन को लेकर काफी तामझाम रही। 7 देहातों में इलेक्शन हुए, जिसमें से 5 देहातों में शिंदे सेना दादा भुसे का पैनल कामयाब हुआ, वाजे अक्सरियत मिली और 5 देहातों में शिंदे सेना का सरपंच बैठाया गया, जबकि 2 देहातों में हीरे ग्रुप, अद्वे हीरे, प्रशांत हीरे ग्रुप को कामयाबी मिली है। हीरे ग्रुप के साथ में एनसीपी, कांग्रेस और दीगर पार्टियां थी, जबकि शिंदे सेना के साथ में बीजेपी और दादा भुसे शिंदे सेना के लिए काम कर रहे थे। इन 7 देहातों में 96 नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ, जिसमें से 24 सीट हीरे ग्रुप को प्राप्त हुई, जबकि 71 सीटों पर दादा भुसे का कब्जा रहा। माजी इलेक्शन में भी दादा भुसे ने 75% वोट हासिल की थी और उनके मुखालफिन को 25% वोट मिल सकी थी। अभी ग्राम पंचायत इलेक्शन में भी तकरीबन यही तनासुब है, 75% वोट दादा भुसे को मिली और उनके मुखालफिन को 25% वोट मिल सकी। तफसीलात के मुताबिक सौंदाना, पाटना, दाबाड़ी, वजीरखेड़ा, मोहपाड़ा, इन 5 देहातों में शिंदे सेना का सरपंच मुंतखब हुआ है, जबकि करजगवान और टोकले देहात में अद्वे हीरे ग्रुप का सरपंच बैठाया गया है। तफसीलात कुछ इस तरह है कि सौंदाना देहात में बाला साहब शिंदे सेना को दादा भुसे के नेतृत्व में 17 सीट मिली, जबकि हीरे ग्रुप को सिर्फ 1 सीट मिली। यहाँ 18 सीटों पर इलेक्शन था और यहाँ पर सरपंच जो शिंदे सेना का बैठाया गया। पाटना देहात में कुल 16 नशिस्तों पर इलेक्शन था, यहाँ भी हीरे ग्रुप ने महज 1 सीट हासिल की, जबकि शिंदे सेना को 15 सीट हासिल हुई। पाटना में भी सरपंच शिंदे सेना का मुंतखब हुआ। दाबाड़ी में इलेक्शन को लेकर बड़ी तामझाम थी, शिंदे सेना में फूट हो गई थी। मुमकिन था कि यहाँ हीरे ग्रुप चुनकर आता, मगर यहाँ दाबाड़ी से हीरे ग्रुप का सफाया हो गया। 17 सीट शिंदे सेना को मिली और 1 सीट आजाद उम्मीदवार को मुंतखब हुआ, यहाँ शिंदे सेना को कोई वोट नहीं मिल सकी। दाबाड़ी से शिंदे सेना का सरपंच मुंतखब हुआ है। वहीं वजीरखेड़े में 12 नशिस्तों पर इलेक्शन था, जिसमें से 5 नशिस्त हीरे ग्रुप को मिली, जबकि बाला साहब शिंदे सेना को 7 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। वजीरखेड़ा में भी दादा भुसे के करीबी अफराद को सरपंच बनाया गया। मोहपाड़ा इलेक्शन में 8 सीटों पर इलेक्शन था, यहाँ 3 सीट हीरे सेना को मिली और 5 पर दादा भुसे कारीब का कब्जा रहा और मोहपाड़ा में भी दादा भुसे के मनपसंद सरपंच को मुंतखब किया गया, जबकि करजगवान में दोनों में बराबरी रही। करजगवान में 7 सीट शिंदे सेना और 7 सीट हीरे सेना को मिली, मगर करजगवान में हीरे ग्रुप का सरपंच मुंतखब हुआ। टोकले देहात में अद्वे हीरे ग्रुप ने बाजी मारी, यहाँ 7 नशिस्त तो हीरे ग्रुप को मिली और शिंदे सेना को सिर्फ 3 सीट मिल सकी। 10 नशिस्तों पर इलेक्शन था, यहाँ टोकले देहात में अद्वे हीरे ग्रुप का सरपंच मुंतखब हुआ। 5 देहातों में शिंदे सेना के सरपंच और 2 देहातों में उनके मुखालफिन, कांग्रेस, एनसीपी और हीरे ग्रुप को सरपंच मिले हैं। 71 नशिस्त शिंदे सेना को और 24 नशिस्त हीरे ग्रुप को। कुल 96 सीटों पर 96 सीटों पर इलेक्शन था। 7 देहातों का इलेक्शन होने के बाद में आज जो ही रिजल्ट आया, मालेगांव शहर और अतराब के देहातों में जश्न मनाने वालों का जम्मे गफीर रहा, जबकि दादा भुसे की मौसम पुल पर वाके ऑफिस पर भी मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा रहा। दादा भुसे ने इस मौके पर आउटर ग्रामीण देहात के वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। महाराष्ट्र के दीगर अजला में भी शिंदे सेना वाजे अक्सरियत हासिल कर रही है। यही वो आईना है जो असेंबली इलेक्शन का रुख बताएगा, इसलिए आइंदा असेंबली इलेक्शन में मालेगांव आउटर में दादा भुसे की बरतरी कायम रह सकती है और दीगर इलाकों से भी शिंदे सेना को नशिस्तें मिलने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है।